तो नमस्कार दोस्तों, ये आज अपनी क्लास नंबर क्या है, 5, टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5 है, जिसके अंदर अभी तक मैं आपको टू वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3 वेरिएबल के ऊपर करा चुका हूँ। और अगर दो व्यक्ति काम करते हैं, 3 व्यक्ति काम करते हैं और काम 2 दिन बाद छोड़ देता है एक व्यक्ति, या दो व्यक्ति 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं या 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब क्या है कि सवाल नंबर 5 में मैं आपको कराने वाला हूँ कि यदि कोई व्यक्ति काम कर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और काम पूरा होने से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो काम छोड़ देते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसी पैटर्न पर मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ। जैसे कि अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर क्या है कि ए और बी क्रम से 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले, मतलब काम ख़त्म होने से 1 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, और कितने दिनों में कुल काम पूरा हुआ। इसमें पूछा गया है कि 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे थे, जिनके 10 दिन और 12 दिन क्रम से काम करते हैं, किसी एक काम को दोनों व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन होता क्या है कि काम कंप्लीट होने से 1 दिन पहले वो काम छोड़ देता है उसमें से एक पर्सन, तो उसका टोटल टाइम बताना है कि टोटल टाइम उसमें कितना लगा दिनों का। तो इस टाइप के सवाल मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट ट्रिक के थ्रू। आप देखिए इसमें क्या है कि ए क्या करता है कि ए ने कितने दिन काम करा, 10 दिन, और बी कितने दिन करता है किसी काम को, 12 दिन, ठीक है। दोनों का यहाँ लेंगे एलसीएम, 12 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 12 से मतलब 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 यूनिट आएगा, 12 को भाग दें 60 को भाग देंगे 12 से तो 5 यूनिट आएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए यदि 1 दिन में 6 काम करता है तो उसको 60 काम ख़त्म करने के लिए 10 दिन लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी अगर 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है तो उसको 60 काम ख़त्म करने के लिए 12 दिन लगते हैं। तो हमने क्या काम करा, ये एफिशिएंसी निकाल लिया, ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता लग चुकी है कि 6 और 5 आ चुकी है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, अब एक इसमें क्या बोला है कि ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यानी कि ए ने क्या 1 दिन काम, अगर वो 1 दिन काम और करता तो काम पूरा ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने क्या काम करा, 1 दिन काम पहले ही उसने छोड़ दिया, किसने, ए ने। जब ए अगर 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, ए क्या है कि 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो अगर हम इसमें 6 यूनिट प्लस कर देते हैं, यहाँ ध्यान रखना मैंने आपको क्या बताया कि अगर काम ख़त्म होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 5 दिन पहले छोड़ता है, तो उस केस में हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, उसकी कार्यक्षमता निकाल के यहाँ प्लस करेंगे जो भी काम छोड़ता है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन सवालों में क्या था कि काम शुरू होने के बाद, यहाँ पर क्या था कि काम शुरू होने के बाद शुरू हो रहा था, 1 मिनट रुकेंगे। तो यहाँ क्या है, ये ध्यान रखना है कि ए ने क्या काम करा, 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो जो भी अगर काम खत्म होने से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले छोड़ेगा, तो इस केस में हम यहाँ प्लस करेंगे। अगर काम देखो इस तरीके से समझिए, अगर कोई काम चल रहा था और यहाँ ख़त्म हो जाता वो काम, लेकिन किसी व्यक्ति ने काम ख़त्म होने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस काम को प्लस करेंगे। और अगर काम इस टाइप का सवाल आता है कि काम शुरू होने के बाद यहाँ पर किसी ने काम छोड़ा, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ए ने 1 दिन पहले काम छोड़ा था, ठीक है, तो ए ने 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 6 यूनिट इसमें प्लस कर दिया टोटल काम में, तो टोटल 66 आ गया, ठीक है, 66 यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा कुल काम आ गया टोटल 66, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पूछ रहा है कि अगर दोनों काम करते हैं तो दोनों को कितना टाइम लगा टोटल, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है अपनी, टोटल ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 और 5 11, ठीक है, ये एफिशिएंसी है ए और बी की, 11 यूनिट काम करते हैं, टोटल काम हमारा आ चुका है, ये टोटल काम हमने निकाल लिया 66। अब मैंने आपको बता रखा है टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, तो टोटल वर्क अपना कितना आ गया 66, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी हमने निकाली है, 11, इससे इसको भाग देंगे तो 6 बार जाएगा अपना, 6 डेज इसमें आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर क्या है, डी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो अगला क्या है कि अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 27, इसमें क्या है कि देखो क्रम से इसमें 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 3 लोग इसमें, 3 पर्सन काम कर रहे हैं, 3 पर्सन इसमें काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट कर जाता है काम ख़त्म होने से पहले, तो उसमें उस कंडीशन में पूछ रहा है कि इसमें अगर एक ने लेफ्ट कर दिया काम ख़त्म होने से पहले, लीव कर दिया अगर काम छोड़ दिया है, तो टोटल फिर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म होगा, अगर टोटल एक साथ काम करते हैं टोटल व्यक्ति। इसमें क्या है, ए बी और सी है, यहाँ
थोड़ा करेक्ट करेंगे इसे, सी होगा। ए बी सी क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, विकल्प है अपने 5, 9, 10 और 8। ठीक है, इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे ये भी सेम है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखो ए बी और सी, इनका क्या है कि कितने 10, 12 और 15 दिन, 10, 12 और 15 दिन में किसी काम को ख़त्म करते हैं, इनका काम निकाल लेते हैं टोटल। टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 10, 12, 15 का एलसीएम आ गया 60 है, तो 10 का 6 गुना 60 होता है, 12 का एक मिनट रुकेंगे जरा, 12 का 5 गुना 60 होता है और 15 का 4 गुना 60 होता है। यहाँ क्या है, हमने निकाल ली इन तीनों की एफिशिएंसी। ठीक है, ये ए की है और ये बी की है और ये सी की है। ये एक दिन में इतना काम ख़त्म करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम ख़त्म करता है। टोटल काम हमें पता लग चुका है, हमारा टोटल काम कितना है, 60 काम है टोटल। ठीक है, अब सवाल में क्या कहता है कि बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम ख़त्म होने वाला था लेकिन उससे 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा? बी ने काम छोड़ा। ठीक है, बी ने काम छोड़ा जबकि 3 दिन पहले। अगर वो उन तीन दिनों तक काम करता बी, तो कितना काम करता? एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में 15 यूनिट काम करता, और 3 दिन में अगर 15 यूनिट काम करता है तो 15 इसमें से इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर काम ख़त्म होने से पहले अगर कोई लेफ्ट करता है तो उसको इसमें जोड़ेंगे हम। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच है, दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब हमारा टोटल काम कितना है, 75 है। ठीक है, टोटल काम हमें पता लग चुके हैं, 75 है। और अगर तीनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में ए इतना काम करता है, एक दिन में बी इतना काम करता है और सी इतना काम करता है, तीनों को ऐड करेंगे, 6, 5, 11 और 4, 15 यूनिट टोटल आ गया, 15 यूनिट इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए प्लस बी की, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 15 यूनिट। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसको तो बिल्कुल आप रट लो, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल रट लो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी की टोटल वर्क कितना है हमारा, 75 है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, 15 यूनिट। इसको इससे भाग देंगे तो 5 डेज आ जाएगा। अपना करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि अभी तक हमारा एक व्यक्ति काम को लेफ्ट कर रहा था, अब इसमें क्या है कि दो व्यक्ति काम को लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे, काम खत्म होने से पहले दो व्यक्ति काम छोड़ेंगे। अब अभी तक के मैंने सवाल कराए थे कि एक ही आदमी, एक ही इंसान काम को छोड़ रहा था, तो इस टाइप के सवाल देखेंगे किस तरह करेंगे। तो ए बी सी क्रम से 12, 16, 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं, किसी काम को 3 व्यक्ति कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ए बी और सी कितना है, 12 दिन, 16 और 24 दिन, इनका टोटल काम निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12, 16, 24 का एलसीएम होता है 48, 48, आप निकाल भी सकते हैं अलग से। ठीक है, 12 का 4 गुना 48 होता है, 16 का 3 गुना 48 होता है और 24 का 2 गुना 48 होता है। अब सवाल में क्या बोला है, ए और सी ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, किसने, ए ने और सी ने काम शुरू होने से पहले 1 दिन पहले छोड़ दिया। तो हाँ, हम क्या करेंगे कि 1 दिन में दोनों कितना काम कर रहे थे, ए 4 यूनिट कर रहा था और सी 2 यूनिट कर रहा था, मतलब 4 और 2 कितना हो गया, 6 यूनिट काम कर रहे थे। ठीक है, टोटल तो 6 यूनिट इसके अंदर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ठीक है, 48 और 6 कितना हो गया, 54। तो टोटल काम हमारा कितना आ गया, टोटल काम आ गया हमारा 54। हमें टोटल काम पता लग चुका है, टोटल काम 54 है। अब इसमें पता लगाएंगे कि तीनों कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो तीनों की टाइम बराबर मैंने आपको बता रखा है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तीनों की हमें निकालने, इनकी टाइम निकालना है टोटल, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम, तो इसका कितना है कि टोटल वर्क कितना है अपना, 54 आ गया है, और इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी हमने निकाली है, कितनी आएगी इनकी एफिशिएंसी, 4, 3, 7, 7, 2, 9, इनको ऐड करेंगे, एफिशिएंसी तो है, एक ही एफिशिएंसी है, एक दिन में इतना 4 यूनिट काम करता है, भी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है,
सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तीनों को ऐड कर लेंगे तो उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। हाँ, तो 9 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो टोटल अपना आंसर कितना आ गया, 6 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है, 29, इसमें क्या है कि ए बी सी क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, सी ने क्या काम करा, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि देखो, अगर कोई काम ख़त्म होने से पहले कोई काम छोड़ता है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है, और काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ेगा तो उसको माइनस करेंगे टोटल वर्क में से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, दोनों में मिक्स क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे आपको बताता हूँ मैं। ए बी और सी, ये क्या है इसका, 10, 12 और 15, 10 दिन में, 12 दिन और 15 दिन। अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, ठीक है, 10 का 6 गुना 60 होता है और 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है, ए की 6 है, बी की 5 है और सी की 4 है। ठीक है, ये एफिशिएंसी है इन तीनों की, और टोटल ये किसी काम को 60 काम को पूरा कर देते हैं। तो अब क्या है इसके अंदर, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने क्या काम करा, 3 दिन बाद काम छोड़ा, इधर काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। किसने काम छोड़ा, सी ने, तो 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा था सी काम, तो 3 दिन में कितने यूनिट करेगा, 4 या 12 यूनिट, तो इस काम को इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो टोटल काम खत्म होने से पहले 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, 4 दिन में कितना काम करेगा, 5 और 20 यूनिट, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि वो काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, अब यहाँ टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क अपना कितना आ जाएगा, इसमें से अगर 60 में से 12 घटाएंगे और 20 जोड़ेंगे तो 68 टोटल अपना वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 68। ठीक है, ये टोटल वर्क 68 आ गया। अब यहाँ पर क्या, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम की, टोटल वर्क कितना आ गया अपना, 68। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि किस में, देखो हमें क्या है कि माइनस वाले को घटा देंगे, तो टोटल काम पूछा है इसमें, सवाल में क्या है कि 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो बी ने क्या करा, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, काम खत्म होने से पहले, तो यहाँ बी पहले, तो ए तो आएगा ही आएगा क्योंकि ए तो इसमें अंदर है ही है। ठीक है, और बी ने काम छोड़ा तो बी को भी ऐड कर लेंगे, लेकिन सी को हम छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे सी को, सी को हम छोड़ देंगे क्योंकि सी ने क्या काम करा, खत्म 3 दिन बाद काम छोड़ा है, तो उस केस में हम यहाँ सी को नहीं लेंगे, सिर्फ ए और बी को लेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 और 5 11 यूनिट, टोटल वर्क 68 आ गया, और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, ये एफिशिएंसी है, ध्यान रखना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी। ठीक है, तो टोटल 11, 6 और 5 11, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 11, तो अपना आंसर करेक्ट ये क्या हो गया, 11, 68/11, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेट डेज, मतलब कि अगर दो व्यक्ति किसी काम करते हैं, एक दिन करता है फिर अगले दिन रेस्ट लेता है, फिर बी काम करता है, जैसे अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा था कि लॉकडाउन में काफ़ी सारी कंपनियों ने क्या काम करा कि ऑल्टरनेट डेज पे एम्प्लॉय को बुलाया, एक दिन एक व्यक्ति आएगा फिर अगले दिन वो छुट्टी करेगा, तो जिस दिन वो छुट्टी करेगा उस दिन दूसरा पर्सन आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के सवाल है, इसमें क्या रहेगा कि अगर दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, एक दिन वो छुट्टी करता है एक दिन काम करता है, एक दिन छुट्टी करता है एक दिन काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, क्लास नंबर 6 में।